ओम नाम यानी वेदों अनुसार साधना करने वाले जीव की क्या दुर्गति हुई। 80 लाख बार तो देवता बना, और यह बाकी हिस्ट्री आपने देखे ली, अनगिन कष्ट सहे, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, अब तेरा गजब हो। पुनात्मा कलेजा मुँह को आता है, इतने कष्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, हम तत्व ज्ञान को पहचान नहीं रहे, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। अब क्या होगा, महावीर वहां तक तो उस मारिची वाले जीव की दुर्गति, महावीर वाले जीव की दुर्गति होती रही, आगे चल के यही मारिची वाला जो श्री जीव था आगे महावीर जैन हुआ। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लग्या, अपने आप साधना करता रहा, कुछ दिन हठ योग करके अपने विचारों को ही व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। अब उस वेदों अनुसार और गुरु परंपरा से मर्यादा से गुरु बनाकर साधना करने वाले मारीची की कितनी दुर्गति हुई, एक बार पुनर्रिवाइज कर लो, ना याद रही होगी। ये देखो, ये वही पुस्तक है, आओ जैन धर्म को जाने, लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री जम्बूदीप हस्तनापुर, ये सारा। अब फिर थोड़ा सा दिखाते हैं, ये मेरे मालिक। अब ये तो दुर्गति उस प्राणी की है जिसने इस काल के गुरु मर्यादा में रहते हुए साधना की है, मारीची वाले जीव की। ये देखिए थोड़ा सा दिखा दें, हाय हाय, 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी बना दिया, नरे पाप इकट्ठे करवा दिए इस काल ने, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंग के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता, बाकी अभिरण मेटिनरी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था, और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारुति वाला जो फिर प्रथम नरक में गया, और फिर ये महावीर जैन हुआ। 24 में तीरंतकर श्री महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान होया। फिर यूँ श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मचलाए, 363 पाखंड मचलाए। अपना आत्मा ये एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है, ज्ञान भगवान का तत्व ज्ञान है ये। अब महावीर जैन की के दुर्गति हुई होगी उसका तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो कोई गुरु बनाया ना। और ये पाखंड मत माने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण ये चला दिए, जिसको वर्तमान में जैन धर्म के सभी अनुयायी उसी से आके अपनी साधनाएं कर रहे हैं। तो इनका क्या हाल होगा ये कहने की जरूरत को नहीं, ये तो समझने की आवश्यकता है। अब ऋषभ देव जी की क्या दुर्गति हुई ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स फोन नंबर है। ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ 280 पे। इससे भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अब दूतों कैसे विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे।
अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देव दैववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभ देव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी यानी जंगल में आग लगी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर वृषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़ा जल का मर गया ऋषभ देव जी दावा नल में, वन में आग लगी, ये वहाँ पत्थर मुँह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए कोई एक भगत के लक्षण है, आप खुद विचार करिए कुदात्माओं। अब ये आलत्तर शिवदेव की जब हुई उस समय हुई है यानी काल की मर्यादा वत साधना कर रहा था ऋषभ देव जी की। आगे क्या कहाँ बने कहते हैं, ये मूर्ख बनाने के लिए अनजान लोग कहते हैं कि जो तीरंथ कर बन जाता है, जो तीरंथ कर की पदवी प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये भी इनकी भूल है। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ वो बाबा आदम हुआ। देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये आपको भी दिखाई थी, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, एमए शास्त्री जम्बूद्वीप हस्तनापुर, प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन जम्बूद्वीप हस्तनापुर मेरठ से, मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर मेरठ, फोन नंबर इतना। अब इसमें दिखाते हैं ऋषभ देव जी का अगला जन्म क्या हुआ। 154 पृष्ठ पे आओ जैन धर्म को जाने, 154 पृष्ठ पे भगवान श्री आदिनाथ को ये कहे कौन कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है, प्रश्न है कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है। भगवान श्री आदिनाथ को यानी ऋषभ देव जी को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर बाबा आदम बाबा। यहाँ वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया है, आठवां अवतार। अब ये हमने ये याद रखना है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को बाबा आदम रूप में जन्म हुआ उनका। पुण्यात्माओं मनुष्य जीवन मिला है और भक्ति करने की प्रेरणा आपके अंदर प्रबल है क्योंकि आपने बहुत से स्थानों पर घूम कर देखा है, गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन उन गुरुओं से आपको क्या लाभ हो सकेगा, ये इस सत्य सत्संग से तत्व ज्ञान से आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपको दिखाते हैं बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव जी कहाँ गए, वे पितृलोक में गए। एक कोमल स्थान है जहां पर एक साइड में स्वर्ग है, एक साइड में बहुत लंबा चौड़ा पितृलोक है, जो पितृ योनि को प्राप्त कर जाते हैं वो प्राणी उस पितृलोक में चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं जीवनी हजरत मोहम्मद, ये देखिए पहले आपको मौखिक बताते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसा जानवर आया ऊपर तक, वो उनको साथ लेकर के एक जबरील नाम का देवता उनको उस खच्चर जैसे पशु पर बैठा करके ऊपर ले गया। वहाँ स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति दाई और मुख करके तो हंस रहा था,
और बाई ओर मुख करके रो रहा था बुरी तरह। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा उस जबराइल नामक देवता से, फरिश्ते से, कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है। उस जबराइल ने बताया कि ये बाबा आदम है, दाई और स्वर्ग में इसकी नेक संतान है, अच्छी संतान, सुखी है, और बाई और नरक है, उस नरक में इसकी निकम्मी संतान वह महाकष्ट उठा रही है। दाई और जब देखता है अपने संतान को सुखी देखकर ये खुश होता है, और इधर बाई तरफ नरक में अपनी निकम्मी संतान को कष्ट उठाते हुए उसको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं, उनको देखकर ये रो रहा है। बता, ये फायदा मिला ऋषभ देव को। अब ये लाभ हुआ ऋषभ देव की साधना से, ये पितृलोक में गया, बाबा आदम का जन्म हुआ, स्वर्ग लोक इसको कहते हैं। अब वहां स्वर्ग में भी चैन कोई ना ऋषभ देव को, बाबा आदम को वहां भी कभी हंस रहा है कभी रो रहा है। तो यहां में और वहां में क्या अंतर हो गया? इन साधनाओं का ये बेनिफिट है, और जो ये दास बताएगा, परमात्मा ने आकर बताई है, उससे क्या लाभ होगा वो भी बताएंगे। अब देखिएगा जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक का। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्ला सुभानी इसके राइट हैं। हजरत मोहम्मद की जीवनी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की उपमा ही है। मोहम्मद इनायतुल्ला सुभानी अनुवादक हैं, नसीम गाजी फलाही, इन्होंने तो ये अरबी भाषा में लिखा था, अनुवादक ये है हिंदी में। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है। यह है नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसका अनुवाद है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D307 दावत नगर अबुल फजल इनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली से, ये इनके दूरभाष और फैक्स नंबर है। मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसके 161 से प्रारंभ करते हैं। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मरकादस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम, यानी ये सारे वही हैं जो हजरत ये मुसलमान धर्म के जितने भी हैं और ईसाई धर्म के उस पितृलोक में हैं, उनमें इब्राहिम अलैहि सलाम भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। हजरत मोहम्मद जी बता रहे हैं कि उस पितृलोक में ये मूसा जी ईसा जी जिसे ईसाई धर्म चला वहीं थे, और मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब 164 पृष्ठ पाते हैं। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद बता रहा है, अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। अपने साथियों बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक, बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया बताया कि इस तरह हजरत जबरील अलही मुझे पहले आकाश पर ले गए, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले। उनका हाल यह था कि जब दाई ओर देखते तो खिल उठते यानी हंसते थे और हंसने लगते, और बाई ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाई ओर उनकी नेक औलाद संतान के कर्म थे और बाई ओर बद के। हजरत आदम अलही ने आप सल्लह यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक
हे नेक नबी, हे नेक